नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसका पार्ट वन आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे डिस्कशन वाले टॉपिक रहने वाले हैं इक्विपमेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सकवेटिंग एंड अर्थ कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट्स, होस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट्स एंड रोड मेकिंग इक्विपमेंट्स। दोस्तों, प्रीवियसली जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उनमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इसके दो पार्ट बना के लाए हैं। पार्ट वन हम आज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट हैव ए इंटरमीडिएट साइकिल ऑफ वर्क? दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि इंटरमीडिएट टाइप की साइकिल के वर्क में आपको किस तरह के इक्विपमेंट्स काम में लेने हैं, तो वो है इंटरमीडिएट टाइप का, तो ई इज़ ए करेक्ट आंसर। अब इसमें हम एक्सप्लेनेशन में हम ये जानेंगे कि इंटरमीडिएट में, कंटिन्यूस में और मिक्स में किस तरह के इक्विपमेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टाइप के साइकिल में अपन बात करते हैं स्क्रैपर की, ट्रैक लाइंस की, बुलडोजर की, कॉन्क्रीट मिक्सर की बात करते हैं। वहीं अपन यदि बात करें कंटिन्यूस फ्लो की, बात करें कि किस तरह के कंटिन्यूस फ्लो टाइप इक्विपमेंट होते हैं, तो उसमें बेल्ट कन्वेयर, पाइपलाइंस और एयर कंप्रेशर की बात होती है। ऐसे ही अपन मिक्स टाइप इक्विपमेंट, तो कई बार क्वेश्चन इनमें से ही पूछा जा सकता है कि आपके पास चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लेता है कि कौन सा मिक्स टाइप इक्विपमेंट है और कौन सा कंटिन्यूस फ्लो टाइप ऑफ इक्विपमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। द टर्म विच इज़ एसोसिएट टू इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग ए प्रिपेयर्ड एक्सपेंस टू अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग विच देयर आर बेनिफिट्स रिलीज फ्रॉम डेप्रिकेबल इक्विपमेंट्स। मतलब उसका जो हानि हो चुकी है या लॉस हो चुका है, जो चीज़ ख़राब हो चुकी है, उस तरह की कॉस्ट को किस टर्म में अपन डिफाइन करेंगे, तो आपके दिए गए ऑप्शन में चार ऑप्शन है, कॉस्ट डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट चार्ज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ऑपरेशन कॉस्ट, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर आपका। द मेथड इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द कॉस्ट डिप्रिसिएशन आर आर्बिट्री एंड दे मे हैव टू बी आर्बिट्री बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट द टेस्ट आइदर थियोरटिकल और प्रैक्टिकली। तो अपन जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन के साथ जो प्रॉपर्टी में लॉस होता है उसको आइदरली और थियोरटिकली अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये जो अमाउंट अपन काउंट करते हैं वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट में काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच मैथड इट इज़ अज्यूम दैट ए प्रॉपर्टी लॉस इट्स वैल्यू बाय सेम अमाउंट एवरीवियर। वह कौन सा मेथड होता है जिसमें अपन एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर देते हैं और एवरी ईयर के लिए कि जो प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है ये इतने अमाउंट में रहा है, तो इसका एक करेक्ट आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर है सॉरी करेक्ट आंसर है डी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड इज एम्प्लॉयड टू वर्क आउट द कॉस्ट डेप्रिसिएशन इफेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल डेप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू। वहीं कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं अपन, इट इज अज्यूम दैट ए प्रॉपर्टी विल लॉस इट्स वैल्यू बाय कॉन्स्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार स्ट्रेट लाइन का भी बन जाता है और कई बार कॉन्स्टेंट परसेंटेज मेथड का भी, तो आप एक्सप्लेनेशन में इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच मैथड द डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज अज्यूम टू बी इक्वल टू एनुअल सिंकिंग फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन द फंड ऑफ द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंकिंग फंड। अब द अमाउंट ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड मे बी फाउंड आउट बाय द सिंकिंग फंड फार्मूला वेयर द एस रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, आई रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस डेसिमल फॉर द 30%। मतलब परसेंटेज में इसको डिफाइन करते हैं। तो ये सारे के सारे डेप्रिसिएशन के मेथड है, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, तो उनके चार मेथड दिए गए होते हैं, उन्हीं मेथडों को यहाँ डिस्कशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच द ऑनर हैज इन्वेस्ट टू ए सर्टेन अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट। वह कौन सी कॉस्ट होती है जो ऑनर इन्वेस्ट करता है किसी भी इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए? तो दिए गए ऑप्शन है कॉस्ट डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट चार्ज, ऑपरेशन कॉस्ट और मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेस्टमेंट चार्ज। दोस्तों, इससे प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपन ने कॉस्ट डेप्रिसिएशन की बात की थी, तो अब ये क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपके क्या है, चार क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। कॉस्ट डिप्रिसिएशन की बात अपन ने वहाँ कर ली, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर है इसी का, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में अपन क्या क्या काउंट करेंगे ये पता चल जाएगा। और इसी एक्सप्लेनेशन में मैंने ऑपरेशन कॉस्ट की भी बात की है कि ऑपरेशन कॉस्ट में हम किस तरह की चीज़ों की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।
द टर्म विच इज़ यूज टू इंडिकेट द पीरियड ड्यूरिंग विच द इक्विपमेंट इज इन आइडल कंडीशन। वह कौन सी टर्म होती है जो इंडिकेट करती है किसी भी इक्विपमेंट की आइडल कंडीशन को, वो आपका कहलाता है डाउन टाइम। तो बी इज़ अ करेक्ट टाइम। और इसी के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपको नॉर्मल डिटेरियोशन, जो कि आप इस वीडियो को पोज करके इन टर्म्स को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि ऑप्शन नियर बाई होते हैं हमेशा, तो अमन क्या करते हैं जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। तो अमन को गड़बड़ नहीं करनी है, आप एक्सप्लेनेशन को पॉज आराम से आइडेंटिफाई करें, इसको नोट डाउन कर लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस चीज़ को ध्यान में रखना है। ड्यू टू विच द इक्विपमेंट सीम्स फिजिकली साउंड बट इट बिकम ओल्ड फैशन्स एंड द रेट ऑफ इट्स आउटपुट बिकम लेस, द ऑप्शंस आर ए डेप्रिसिएशन, डाउन टाइम, ऑब्सोलेसेंस एंड डिटोरिएशन। द सी इज़ द करेक्ट आंसर। वह कौन सा टाइम होता है जिसमें जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकली साउंड तो कर रही है लेकिन आउट ऑफ फैशन हो जाती है, और जो उसका आउटपुट आता है इन फॉर्म ऑफ लीज या रेंट वो कम होता जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इज़ द सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन विच इज़ यूज मेनली टू एक्सट्रैक्ट ए पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स फॉर द पुलिंग अदर मशीन। तो वह कौन सी मशीन होती है जिसको इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ट्रैक्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ बुलडोजर इज इंडिकेटेड बाय द डायमेंशन ऑफ इट्स साइट टायर्स इंजन एंड ब्लेड। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्लेड जो होती है वो थ्योरेटिकल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इज ए डी इज़ ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विच कैन बी यूज ऑन वेट ग्राउंड इन ऑल कंडीशंस और वेदर। वो कौन सा इक्विपमेंट है जो अपन हर कंडीशन में काम में ले सकते हैं। डी बुलडोजर एक आपका इक्विपमेंट है जिसे हर कंडीशन में वी यूटिलाइज इट। ए विच इज़ यूज टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड द लूज मटीरियल। कौन सा इक्विपमेंट काम में लेते हैं ये दिए गए ऑप्शन में जिसको ग्राउंड को लेवल करने में और लूज मटेरियल को स्प्रेड करने के काम में लिया जाता है। तो आपका कहलाता है ग्रेडर। तो इसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है एलिवेटिंग ग्रेडर को भी और मोटर ग्रेडर को भी, तो आप इसको भी आराम से आइडेंटिफाई कर ले एक्सप्लेनेशन को पोज करके। चलिए नेक्स्ट पे। विच कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज बकेट विच इज अटैच टू ए ट्रैक्टर। वो कौन सा इक्विपमेंट होता है जिसके लार्ज बकेट अटैच होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी स्क्रैपर। ठीक है, इसमें आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमने स्क्रैपर की यहाँ कैपेसिटी को भी आइडेंटिफाई करें, इसके कटिंग एज की भी बात की है, इसमें एप्रॉन की भी बात की है। तो आप इस वीडियो को पोज करके इसके एक्सप्लेनेशन को ढंग से रीड आउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। विच टाइप ऑफ एक्सकवेटर यूज फॉर डगिंग फाउंडेशन ट्रंचेस बिफोर बिलो ऑपरेटिंग लेवल्स। तो वो कौन सा इक्विपमेंट होता है जो लेते हैं, वो होता है बैक्ड एक्टर। ठीक है, बी इज़ ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन में आप इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ एक्सकवेटर इज यूज फॉर द डगिंग बिलो एट और अबव ऑपरेटिंग लेवल इन वर्टिकल रेंज सी। दो होता है क्लाम्प शेल्स। ठीक है, तो सी द क्लाम्प शेल्स एक्सकवेटर आर वाइडली यूज फॉर रीहेल्डिंग ऑफ मटीरियल एंड फॉर द वर्किंग इन लिमिटेड स्पेस एज इन केस ऑफ फाउंडेशन ट्रंचेस फॉर पाइपलाइंस इट्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द जॉब विच इज रिक्वायर्ड फेयरली एक्यूरेट डंपिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एक्सकवेटर कैरीज शॉवल एट इट्स लोअर एंड। तो ये ज़्यादातर इक्विपमेंट बेस्ड होते हैं जो अपन फिजिकली देख लेते हैं लेकिन अपन को क्या होता है उनका नाम मालूम नहीं होता पर्टिकुलर इसको किस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो चाहे तो आप इसको बुक में रेफर करके इनका स्केच डायग्राम देख सकते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट किस तरीके से दिखता है। तो अपन को क्या होता है याद करने के लिए या मेमोराइज करने के लिए अच्छा रहता है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर ए पावर शॉवल। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एक्सकवेटर इज यूज फॉर डगिंग एट और बिलो द ऑपरेटिंग लेवल। तो बी है ट्रैक लाइन। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देता हूँ प्रीवियसली हमने दो तरह के क्वेश्चनों को बात कर रखे थे, तो पावर शॉवल, ट्रैक लाइन्स, स्कैमर्स और ड्रेजर। तो ठीक है, तो आपको इनके एक्सप्लेनेशन में आइडेंटिफाई कर लेना है क्योंकि जो ऑप क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है टाइप ऑफ इसके एक्सकवेटर्स इज यूज फॉर डगिंग एट बिलो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिलो, अबव, बिटवीन, इस तरह के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ एक्सकवेटर कैरिंग द स्कमर एट इस लोअर एंड। वो कौन सा होता है, तो वो स्कमर ही होता है। स्कमर इज यूज फॉर द सर्फेस एक्सकवेशन, यदि अपन को पूछा जाए कि ग्राउंड पे एक्सकवेशन करना है एंड लेवलिंग वर्क के लिए काम में जाए,
इट कट द सर्विस टू अर्थ एट द डेप्थ ऑफ 200 to 300 mm तक. द स्कैमर एक्सकवेटर कैन आल्सो यूज़ फॉर लोडिंग लूज एक्सकवेटिंग मटेरियल. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. और यदि आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है कि हमारा जो दिए गए ऑप्शन में आंसर है वो करेक्ट नहीं है, तो आप हमें मैसेज एक ड्रॉप कर दीजिए, हम इसके आंसर को सुधारने की कोशिश करेंगे, और यदि कोई डाउट है तो उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.